जैकी चैन की देखती थी फिल्में, फिर बहन को छेड़ने वालों को उसी स्टाइल में पीटती। पिता की मौत से बनी मजबूत माँ बहन की फिक्र ने लड़ना सिखाया। कहानी यूपी की उस देसी बेटी की, जिसके सामने रिंग में दुनिया का कोई धुरंधर टिक न पाया। फौलादी शरीर वाली चैंपियन बेटी ने रातों रात देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भारत को मिल गई दूसरी मैरीकॉम और निखत जरीन, ओलंपिक में मेडल पक्का। रिश्तेदार कहते थे शादी नहीं होगी क्योंकि आंख पर काला निशान था, अब मिठाई बांटने लगे। तीन बहनों में सबसे तेज तरार, इन्हीं तीन बहनों में से एक पांव से लाचार थी। कोई ना कोई चिढ़ाता रहता था, ताने मारकर चला जाता था। बड़ी बहन के साथ ये सब मजाक होता देखकर छोटी बहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर एक दिन उसने ठान ली, बड़ी बहन को जो भी परेशान करेगा उसे नहीं छोड़ेगी। इसके खातिर उसने जैकी चैन की फिल्में देखनी शुरू कर दी। फिर लाइफ में एक दिन ऐसा आया कि बहन को बचाने की खातिर जिस दाव को उसने सीखा, उसी दाव से उसने तिरंगे का मान बढ़ा दिया। यूपी की एक बेटी ने तिरंगे का मान ऊंचा कर दिया। इस बेटी ने इतनी बड़ी हासिल कर ली जिससे हर भारतीय का सीना फक्र से ऊंचा हो जाएगा। नाम पूजा तोमर, घर यूपी का मुजफ्फरनगर। पूजा तोमर को अपनी जिंदगी की शुरुआत में ही ऐसा लगने लगा था कि जैकी चैन के किताब से मार्शल आर्ट के दाव पेच की प्रैक्टिस कर लड़कों को हराया जा सकता है। पीटने की ये तलब भले ही पूजा के भीतर दबी हुई थी, लेकिन वो सही वक्त पर बाहर आ गई। उसी तलब और भूख से पूजा ने देश का नाम रोशन कर दिया। बचपन में पूजा को दो बहनों और माँ की सुरक्षा करने की जरूरत पड़ती थी। एक ऐसे परिवार में जहाँ लड़का और लड़की में फर्क किया जाता हो, वहाँ सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने अपने पिता को खो देने के बाद सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाई, और इन्हीं जिम्मेदारियों ने पूजा को एक कठोर लड़की बना दिया। लेकिन जिंदगी के इस हादसे ने उसे हारना नहीं सिखाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली पूजा तोमर ने फाइट नाइट में रूस की अनास्तासिया फियाफानोवा के खिलाफ बहादुरी से फाइट की। पूजा तोमर का एमएमए में आना सिर्फ एक इत्तेफाक था, घर की जरूरतें उन्हें यहां तक खींच कर ले आई थी। बचपन में जब पूजा की बहन और माँ को लोग परेशान करते थे, तब वो सिर्फ अफसोस करके रह जाती थी। इसलिए एक दिन उन्होंने एमएमए में आने के लिए ठान ली। एमएमए का मतलब होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट। इसमें हाथ और पांव दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूजा तोमर जब रिंग में उतरी तो रूस की हाईली ट्रेंड प्लेयर भी पानी पीने को मजबूर हो गई। पूजा जिस खेल में हाथ आजमाती है उसमें दुश्मन चारों तरफ से वार कर सकता है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मुक्का या किक कहां से आने वाली है। लेकिन बचपन में वुशु में खेलने वाली पूजा के साथ जब ये सब कुछ पहली बार हो रहा था, तब वो घबराई हुई थी। बाद में उन्हें इसकी आदत लग गई। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर आपने एमएमए खेल लिया तो आप जीवन में किसी भी चीज के प्रति मानसिक रूप से कमजोर महसूस नहीं कर सकते।